आज मातृ दिवस है और माँ में ही सारा संसार समाया रहता है। आज रीवा जिले में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों जो कि मातृशक्ति हैं, उनकी बात करेंगे कि किस तरह से माँ होने के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी पालन किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीवा जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल की। उससे पहले जानते हैं कि किस तरह से एक माँ होने का कर्तव्य और अपने काम के दायित्व दोनों कैसे संभाला। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6 बार नंबर 1 रहे इंदौर के साथ कोई न कोई याद जुड़ी है, लेकिन जब शहर को 5वीं बार नंबर 1 का खिताब मिला तो यह उपलब्धि तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ताम्र नहीं भूल पाएंगे। 3 साल से अधिक के हो चुके उनके पुत्र वरेण के साथ इस खिताब का गहरा ताल्लुक इसलिए भी है कि प्रतिभा पाल उस दौरान बिना छुट्टी के लगातार काम करती रही। प्रसव के 12 घंटे पहले तक वह अपने दफ्तर में अधिकारियों के साथ मीटिंग करती रही और अब रीवा जिले की कलेक्टर होने के दौरान भी एक जिला अधिकारी का कर्तव्य और माँ होने का कर्तव्य दोनों साथ में निभा रही हैं। अगली मातृशक्ति की बात करें तो पुलिस की ड्यूटी के साथ अपनी 2 बेटियों की मां परवरिश करती है। जब भी कहीं लंबी ड्यूटी के लिए जाना होता है तो उनकी बेटियां साथ होती हैं। मां की ममता उनको हर समय अपने साथ रखने को मजबूर कर देती है। पुलिस विभाग में निरीक्षक भूमेश्वरी चौहान वर्तमान में बिछिया थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं। उनकी 2 बेटियाँ अनित्या 11 वर्ष की व अनुष्का 7 वर्ष की है। मूलतः जबलपुर की रहने वाली भूमेश्वरी परिवार से दूर रीवा में रहती है। पुलिस की ड्यूटी के साथ ही वे अपने दोनों बेटियों को मां का दुलार भी देती हैं। जब भी घर से काफ़ी समय से उनके लिए बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी समय तक बाहर रहना पड़ता है, तो उनकी दोनों बेटियां साथ रहती हैं ताकि ड्यूटी के समय उनको घर में बेटियों की चिंता ना रहे। उन्होंने बताया कि पुलिस की ड्यूटी में कई बार लंबे समय के लिए बाहर रहना पड़ता है, ऐसे में बेटियों को घर में अकेला छोड़ने पर हर समय उनकी चिंता रहती है, इसलिए ड्यूटी के समय वे बेटियों को अपने साथ ही रखने का प्रयास करती हैं। पहले जब बेटियां छोटी थीं तो ड्यूटी और उनकी देखभाल के लिए तालमेल बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता था। अब धीरे धीरे वे माँ के काम को समझने लगी हैं। माँ एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको चंद लाइनों में बयां करना किसी के लिए संभव नहीं होता। आज बात की जाए यदि फर्ज के माँ की तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक ऋतुका शुक्ला की, उनको 1 साल पूर्व माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लोकायुक्त में पदस्थ उप निरीक्षक ऋतुका का 1 वर्ष का बेटा तेजस है। 1 साल का अवकाश समाप्त होने के बाद कुछ दिन पहले ही बच्चे के साथ उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की। अब वे उसको साथ में लेकर कार्यालय आती हैं, एक तरफ अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं तो दूसरी ओर माँ का दायित्व भी निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि माँ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है इसका एहसास बेटे के लालन पालन के बाद पता चला। पहले चिंता नहीं रहती थी लेकिन बेटा होने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यदि कुछ पल के लिए बेटे को दूर करना पड़े तो हर समय चिंता सताती है। साथ ही यदि बात की जाए तो नवस्था चौकी की चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा भी माँ होने के साथ साथ अपने कर्तव्य का दायित्व का भी निर्वहन कर रही हैं। माँ होने का दायित्व बहुत बड़ा होता है। घर में रहकर माँ पूरे दिन बच्चों की परवरिश करती है, बच्चे की चिंता सताती है, लेकिन एक माँ होने के बाद भी रीवा नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करती हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590-99073-17817 or you can visit us on the address Mount Era Convent School near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.